it gives me a proud moment that along with All India Rank first for CA Intermediates, I have the opportunity and privilege to talk to All India Rank second in CS Foundation, Sneha Jain. She's from Bina and a student of Nahata Professional Academy, where we all teach, train CSCS students from last 28 years. And this is not the first time. We have already got a rank in CS Professional All India Rank 1, but at that time the social media was not so popular. So now we have got All India Rank 2nd in CS Foundation. Already there is a All India Rank 1 in CS Foundation also. Ankita Sajed, way back. So now we have All India Rank 2nd Sneha Jain with us. She's from Bina. That's a place, small place in Madhya Pradesh. And she has come all the way from Bina to study here, and she has done. Congratulations, Sneha. Congratulations very much. Thank you for making all of us proud. हमें बहुत गर्व है आप पर और मैं चाहूँगा कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन्हें वो बातें बताएं, वो सीक्रेट रेसिपी बताएं जिससे कि इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है सीएस फाउंडेशन. हर बार पेपर यूनिक आता है, हर टर्मिनल पे जब भी आप सिस्टम पे बैठते हैं तो आपका क्वेश्चन अलग है, दूसरे का क्वेश्चन अलग है. ऐसे में उस वैरायटी को कवर करना, उसे समझना, क्लासेस में पढ़ना, वो सब कैसे और क्या हुआ वो आप प्लीज शेयर कीजिए. तो सबसे पहले तो मैंने एलटी ज्वाइन किया, फिर मैंने क्लास आना स्टार्ट किया. तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था यहाँ पे क्लासेस में, क्योंकि यहाँ पे 150 स्टूडेंट्स और हम लोग जहाँ पे पढ़ते थे मेरे स्कूल में वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स बस होते थे. तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता था कि एकदम से इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सब लोग को पढ़ा रहे हैं. मगर फिर आदत हो गई वहाँ पे बैठने की. टीचर्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, एक एक डाउट सॉल्व करते हैं. ऐसा भी नहीं है कि कभी एक डाउट दोबारा पूछ लो तो मना कर देते कि ये तुमने पहले पूछ चुका है, वापस से क्यों पूछ रहे हो. वो हमको याद ही नहीं रहता कि किसने पूछा. मगर फिर भी हम लोग को लगता है कि हम लोग के डाउट सॉल्व हो गए. ऐसा नहीं कि सब मना कर रहे. मतलब एक जो पॉपुलर बिलीफ है कि हम भीड़ में नहीं पढ़ सकते, वो आपको यहाँ पे फील हुआ? नहीं, भीड़ में पढ़ सकते ऐसा कुछ नहीं. मुझे लगा था मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगी, मगर मैं जब यहाँ बैठी क्लासेस अटेंड करी तो मुझे लगा नहीं कभी कुछ डिफिकल्ट नहीं, और जब टीचर सपोर्टिव हो तो कर सकते हैं सब कुछ. पहले मैंने मेन मेन सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ. मैंने छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था. सबसे पहले मैंने अकाउंट स्टार्ट किया, इकोनॉमिक्स और लॉ मैं ये डेली पढ़ती थी, कभी नहीं छोड़ा मैंने इनका रिवीजन करना. फिर मैंने बाद में छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी उठाए, क्योंकि उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डीप में आ जाते हैं जो आप कभी देखते ही नहीं हो कि है भी ये सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन ऐसे आ भी सकते हैं. तो वो सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स वैसे बच्चे छोड़ 20 मार्क्स 30 मार्क्स बेटर है जिनका. सबको बच्चों को लगता है कि ये तो बाद में कर लेंगे, लेकिन वो हेल्प करते हैं, हेल्प करता है वही, मतलब रैंक दिला सकता है आपको. जैसे अब अगर आप ऑडिट करके नहीं चाहते इस बार ऑडिट और अकाउंट्स ऐसा है कि दोनों सेम वेटेज का है. अच्छा, मतलब ऑडिट के क्वेश्चंस बढ़ गए सर इस बार. तो मतलब बच्चों ने ज्यादा ध्यान, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, उसमें आप वेटेज एग्जैक्ट रख नहीं पाते हो, कई बार रैंडमली कोई क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है. हां, मतलब ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स अगर 80 मार्क्स का दिया है तो 80 मार्क्स का ही भी आपके का ही आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है. मेरे में इकोनॉमिक्स के तो ज्यादा क्वेश्चन आए थे और स्टैट्स के भी आए थे. एक और पॉपुलर बिलीफ है कि 12th क्लास का इकोनॉमिक्स पढ़ा तो हुआ है, उसी के बेसिस पे कर लेंगे. पर 12th क्लास में आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हो और यहाँ एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच है, तो एमसीक्यू ज्यादा आसान है या ज्यादा टिपिकल हो जाता है? ज्यादा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है. जब हम लोग 12th में पढ़ते थे तो एक लाइन पढ़ते थे और एक छोटी से छोटी चीजों को ऐसे ही छोड़ देते थे. मगर अब फाउंडेशन में ऐसा था कि हर छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वही चीज आ जाती है पेपर में. अच्छा, टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस पैटर्न, जैसे सब्जेक्ट वाइज बात करें, अकाउंट्स में विनय सर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस थोड़े से थे या बहुत सफिशिएंट थे, बहुत ज्यादा थे? विनय सर के क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के होते थे. मतलब सर बोलते ही थे कि तुम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे तो तुमको जो नीचे वाले लेवल्स के हैं वो क्वेश्चन अपने आप करेंगे. तो सर लेवल सेट करके रखा था कि इतने लेवल के करोगे तो नीचे के लेवल्स के तो आ ही जाएंगे. सिमिलरली अनदर बिगर सब्जेक्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ 80 मार्क्स, आप मेरे स्टूडेंट रही हो उसके अंदर, तो 80 मार्क्स के अंदर भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने को स्टडी मटेरियल में दिए हैं वो बहुत लिमिटेड है. मतलब हार्डली 100 क्वेश्चन भी नहीं है. हाँ, शायद आपने मैंने कितने करे थे सर? हम लोग वो मतलब जो आपने नोट्स दिए थे उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एक चैप्टर के ही कम से कम 50 से ज्यादा क्वेश्चंस थे. और वो क्वेश्चन जब अपन क्लास में डिस्कस करते थे तो ऐसा क्यों और बाकी तीन ऑप्शंस क्यों गलत है उस पे भी उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सर ने यही बोला था कि जितना कॉन्फिडेंस तुमको अपने सही वाले पे है कि ये आंसर सही है, उतना ही कॉन्फिडेंस इस पे लगो कि बाकी के तीन गलत भी है.
क्योंकि क्या होता है वो एक ही क्वेश्चन के अंदर चार टॉपिक पूछ सकते हैं आपसे। अगर उसने क्वेश्चन दिया कि विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की जब बात आती है तो चार अलग अलग टॉपिक्स पूछ सकता है। इसका मतलब ट्वेल्थ को पढ़ लेने से काम होने वाला है। और सर हम लोग को ट्वेल्थ में इतने अच्छे से कभी पढ़ाया भी नहीं है। एक्चुअली मुझे तो यहाँ आके पता चला कि इकोनॉमिक्स ऐसे भी पढ़ाए जा सकते हैं। सर सच में मुझे नहीं सर मैं सबसे यही कहती हूँ बार भी कि सर ने ऐसा पढ़ाया कि पहली बार इकोनॉमिक्स समझ में मेरी एक और फ्रेंड है वो भी सीएस एग्जीक्यूटिव है, वो भी यही बोलती कि मेरे को आते ही नहीं थे इकोनॉमिक्स, सर के पढ़ाने का तरीका अलग है। ऐसे ही विनय सर थे कि मेरे बेसिक्स क्लियर कभी नहीं थे अकाउंट्स के। विनय सर ने बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्लियर करे, कम से कम लॉजिक बताया कि इसके पीछे ये लॉजिक है। स्कूल्स में कभी ये सिखाते ही नहीं है कि ये लॉजिक है इस चीज़ के पीछे, ये इसलिए ऐसा होता है। स्कूल वाला टीचर अपने स्कूल बोर्ड के हिसाब से बहुत मेहनत करवाता है आपको। यहाँ आके जब आप प्रोफेशनल लेवल पर आते हो हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि स्कूल वाला जो टीचर है ना वो आप लोगों को तब पढ़ाता है जब आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। यहाँ तो क्या आप स्पेशली फोकस होके शहर छोड़ के आए हो तो आपका ध्यान रहता है। स्कूल में बच्चे को मस्ती करने का मन रहता है, मेरा लास्ट ईयर है वगैरह, तो थोड़े से बच्चे भी कैजुअल होते हैं उस चीज के। मगर सर लॉजिक्स यही आती है। हां लॉजिक्स वो तो बेटा प्रोफेशनल लेवल पर आप जा रहे हो तो आपको लॉजिक्स तो रखने ही होंगे, और ताकि आप आगे चल के उस चीज को कंटिन्यूसली हैंडल कर सको। अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, टॉकिंग अबाउट लॉ आल्सो। लॉ सर ने जो भी पढ़ाया मतलब तनेगा सर, हां तनेगा सर वो जो एग्जाम्पल देते थे वो मेरे मन में बैठ जाता था, तो मैं कनेक्ट कर पाती थी चीज़ों को। जब मैं घर जाके पढ़ती थी मुझे मैं कनेक्ट कर पाती थी कि सर ने ये पढ़ा है, इसका एग्जाम्पल ये दिया है, यहाँ आके ये समझ में आ रहा है। अगर मैं क्लास बंक कर देती, मेरे लिए लॉ समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि बहुत डीप है लॉ। मतलब एक बार अगर खुद से भी पढ़ोगे तो इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा जब तक एक मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक ही चीज़ के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। पहली बार आप पढ़ के देखोगे तो आप अच्छे ये मीनिंग है, फिर थोड़े दिन बाद इसको ऐसा भी तो सोच सकते हैं और वो आता इंटरेक्शन से। तो इसका मतलब ये है कि एक मेरे को जनरल क्वेश्चन पूछना, जैसे आपने भी बोला बंक करते क्लासेस, ये एक ट्रेंड है आजकल टीनेजर्स का, बंक करना भी अपने आप में एक स्टेटस अपडेट हो गई है, आई एम आउट फॉर अ बंक। तो वो बंकिंग को लेकर आपका क्या विचार है? मतलब इज इट अ गुड थिंग टू डू? मतलब कॉलेज स्टाइल का मजा थोड़ा सा कम मिलता है सीएसईएस में, लेकिन क्या उस मजे के लिए बंकिंग आसान है, मतलब अच्छी चीज है क्या? नहीं, बंकिंग बिल्कुल अच्छी चीज है। अगर आप कोई चीज करना चाहते हो तो आप कैसे बंक कर सकते हो क्लासेस को, वो तो मेन ही है ना। रेगुलर क्लासेस जाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार आप एक दिन की पढ़ाई छोड़ दो मगर एक दिन की क्लास नहीं छोड़ो। क्लासेस में जो नॉलेज मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। आप बिना से हो, आप शहर छोड़ के इंदौर आई हो, आपको अगर 6 घंटा क्लासेस रहती है, मैं हमेशा बच्चों से क्लास में भी बोलता हूँ, आप 6 घंटे क्लास करते हो इस शहर में बैठ के, बाकी 18 घंटे आप शहर में हो ही उसी काम के लिए। तो आप अगर वो 6 घंटे को जस्टिफाई नहीं करते हो तो आपका वो पूरा दिन जस्टिफाई नहीं होता, और आपके पेरेंट्स घर पे बैठे ये सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड एंड चीटिंग टू आवरसेल्व्स एंड आवर पेरेंट्स। करेक्ट। सो दैट इज व्हाट। एक और चीज मुझे पता चली, आपकी बड़ी सिस्टर भी कंपनी सेक्रेटरी है, आप साइकोलॉजी और सीएस में कंफ्यूज थी और आपने फाइनली डिसाइड करा सीएस करने के लिए। अमूमन मैंने देखा है कि छोटे भाई बहन जो होते हैं ना, जब बड़ा भाई बहन सीएस कर रहा होता है तो छोटा भाई बहन बोलता था भैया हाथ जोड़े मैंने, मैं नहीं कर रही थी मैं। आपने उल्टा डिसीजन लिया कि दीदी को देख के आप आगे कर रहे हो, ऐसा होता है। मैंने देखा है वो 18-18 घंटे भी पढ़ी है मेरे सामने पढ़ी, और मतलब उसके सर तबीयत भी खराब हो गई थी तो भी पढ़ी, तो मुझे पता था कि ये चीज आसान नहीं है करना, मतलब सीएस बोल दिया है जा रहे हैं कुछ तो करना है तो सीएस कर लो, ऐसा कुछ नहीं था सर। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि कर सकती हो, मगर अगर तुमको मेहनत नहीं करनी है, तुमको मतलब ऐसा कि लाइफ एंजॉय ज्यादा ही कुछ करनी है तो तुम यहाँ नहीं हो, ये फील्ड नहीं है। तुमको अगर मेहनत करनी है तो इस फील्ड में आओ, तुम पढ़ सकती हो ना तो इस फील्ड में आओ, वरना ये फील्ड उम्मीद मतलब उन्हीं लोगों के लिए ये फील्ड जो मेहनत कर सकते। But you are happy about your hard work, na? Yes, sir. और आप एक चीज कभी observe करते होगे कि जब आप 12वीं पढ़ने के बाद जब आप CS foundation जैसे चीज subjects पढ़ लेते हो, clear कर दो, अब आप जब बैठोगे अपने दूसरे friends के साथ जो non-CS हैं, बातचीत का level, thought process, intellectual level, सोच का फर्क पड़ने लगता है। उन लोगों के जो enjoyment point से आपको मुझे लगता है इससे भी ऊपर बड़ी बड़ी चीजें दुनिया में है, तो वो एक इंटेलेक्ट लेवल का अच्छा इंक्रीज आता है अपने अंदर। यह हम लोगों ने हमेशा बच्चों में देखा है, बच्चे बोलते कई चीजें बहुत नॉर्मल सी लगती है बाद में उनको, जिन चीजों के लिए बाकी नॉन सीएसएस बच्चे स्ट्रगल करते रहते हैं। एनीथिंग एल्स व्हिच यू वुड लाइक टू गिव द सीक्रेट रेसिपी कि मैंने ऐसे पास करा? भाई कई बच्चे बोलते बहुत 17-18 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई ह्यूमनली पॉसिबल तो है नहीं, पर
रेगुलर स्टडीज का मैटर होता है क्या? रेगुलर स्टडी बहुत ज्यादा मैटर करती है. अगर आप एक दिन जो पढ़ाया है कोचिंग में वो आप घर आके रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं. एक घंटे की क्लास को अगर रिवाइज करना हो घर पे तो कितना टाइम लगता है रिवाइज करने? सर एक घंटे की क्लास को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो एक घंटा दो घंटा लग जाता है. वैसे आधे घंटे में रिवाइज हो जाता है एक क्लास का. तो मैंने शुरुआत में ये किया था, रिवाइज करती थी तो दो मैनुअली चलते जा रहे थे. तो दो तीन घंटे में सब रिवाइज हो जाता था सर. और जो क्वेश्चंस देते थे जैसे विनय सर बोलते थे क्वेश्चंस करके आना, आपने बोला है क्वेश्चंस करके आना, तो मैंने मोबाइल ऐप भी यूज़ करा. मोबाइल ऐप इकोनॉमिक्स का यूज़ किया था मैंने. तो आपने बोला था वो क्वेश्चंस मैं करके आ जाती थी. जब भी चैप्टर खत्म होता था मैं खुद से क्वेश्चंस करने लगती थी. चाहे मतलब सर बोले चाहे बोले मैं खुद से लगाने लगती थी क्वेश्चन कि मुझे कितना बन रहा है. फिर आप लोग बोलते थे और क्लास में सब डिस्कस करते ही हैं कि क्वेश्चन गलत भी हो जाता है और उस पर डाउट भी कर मतलब उठा सकते हो कि सर इसका आंसर ऐसा क्यों है ऐसा भी. वो तो बहुत जरूरी सोचना बहुत जरूरी है इसका. ये हो गया हमारे तीनों बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, वेटेज बढ़ा है इन सब्जेक्ट्स का. और ओवरऑल सीएस फाउंडेशन कंप्राइजेस ऑफ 10 सब्जेक्ट्स. वो 10 सब्जेक्ट्स भी देख के कई बच्चे डर जाते हैं, बोले यार 10 सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा, भले 20-30 मार्क्स के हैं. सो टेक अस थ्रू दिस जर्नी. जैसे स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाया सुनील खत्री सर ने, तो वो एक्सपीरियंस एक शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है, बट कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पे? वो एक्सपीरियंस अच्छा था, मगर मुझे स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा डर लगता था क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स में थोड़ी अच्छी नहीं. बट सर ने फॉर्मूले वगैरह ढंग से समझाया, मैंने लिखे सारे फॉर्मूले एक जगह याद किए. फॉर्मूले याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके कि याद रहे इसका ये फॉर्मूला उसका ये फॉर्मूला. मैंने एक पेपर बना लिया था उसपे सारे फॉर्मूले वगैरह लिख लिए थे और मैं याद. इसका मतलब एक बात और है सब जने प्लीज ध्यान देना, AIR 2 को भी डाउट्स आते हैं, ऑल इंडिया रैंक वाले को भी कई बार घबराहट होती है, पर वो मेहनत से कवर हो सकती है. So that is statistics. दूसरा एक नीतिशा मैम आपको सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, मैनेजमेंट पढ़ाती हैं, उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा. मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऐसा है कि उसके ऑप्शन ऐसे आते हैं कि चारों सेम लगते हैं. तो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं मैनेजमेंट से. मतलब मेरे जो सीनियर्स हैं वो यही बोलते हैं कि मैनेजमेंट के चारों ऑप्शन सेम आएंगे तो मैं ऐसा लगेगा कि चारों सही है तो तुम्हें इतने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट की मतलब तो मैं एक ऑप्शन सही समझ में आ जाए कि ये मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी मैनेजमेंट में. तो उसको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस. सो मैडम ने जो प्रैक्टिस कराई थी उससे फिर हेल्प मिला होगा. हेल्प मिला, मैम ने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट पढ़ाया, एक एक टॉपिक अच्छे से समझाया. और मेरे ख्याल से मैम रिपीट भी कराती है क्लास में जो आप पढ़ाते हैं वो सबसे खास बात है. वो याद हो जाती है चीजें तभी पहले एक बार खुद बोलती फिर आपको बोलती आप रिपीट करो. हां मैम ऐसे कराती तो वो चीजें याद हो जाती है ऐसा. वेरी गुड. एक और चीज उसके बाद आप एक ऑडिट भी पढ़े सब्जेक्ट, वो भी 20 मार्क्स का ही रहता है, 30 का रहता है, तो उसमें क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? ऑडिट वैसे लॉ से कनेक्टेड है, मतलब उसमें प्रोविजंस वगैरह सब कुछ चाहिए था. मतलब लॉ वाली बेसिक नॉलेज है वो फिर ऑडिट में हेल्प करती है. हाँ तो ऑडिट सागर सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, अच्छा पढ़ाया सागर सर ने. मैंने घर जाकर मॉड्यूल से खुद से पढ़ा, सारी चीज़ें देखी. वैसे सर ने कवर कर लिया था जो मेन मेन टॉपिक्स थे वो सर ने सारे कवर कर लिए थे. बाकी मैंने मॉड्यूल से भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था ऑडिट, क्योंकि बच्चे ऑडिट मतलब देख के इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. वही तो फर्क पड़ेगा. हाँ. देखिए जीतने वाले और हारने वाले में फर्क बहुत बड़ा नहीं होता है. हाँ. फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप छोटा ही रहता है, पर वो जो गैप है वो इन्हीं चीजों का रहता है कि सर वो छोटी-छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते. स्मॉल थिंग्स मैटर बिग. हां तो सर मैंने सब मतलब ये छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दिया और इट भी मतलब ऐसे नहीं कि टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप का था. और एक एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट है आपका, वो पुष्पेंद्र सर आपको पढ़ाते हैं. करेक्ट. उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो उनकी स्टोरीज और स्लाइड्स भी काफी फेमस रहती हैं उस चीज में. सर अपनी मतलब सर अच्छे से पढ़ाते थे, सर नॉलेज देते थे, बाकी एंटरप्रेन्योरशिप और बाकी सारी चीज़ों का भी रिलेट करते थे. एक एंटरप्रेन्योरशिप वो है मतलब एक प्रोफेशनल इतना नहीं कर सकता जितना एंटरप्रेन्योर करता है. इस ऐसी बात सच. हाँ तो ये सब पढ़ाते थे सर ने भी अच्छा पढ़ाया है. एंटरप्रेन्योरशिप वैसे मुझे ईजी लगता था तो मैंने 3 बार रिविजन किया था एंटरप्रेन्योरशिप का. और इसका मतलब आप ओवरऑल सम अप करोगे तो आप इसको अगर मैं बोलूं वेरी इजी केक वॉक, इजी अ बिट हार्ड वर्क और वेरी टफ, तो इनको 4 कैटेगरी में से कहां रखोगे आप? पूरी ओवरऑल नहीं, पूरी ओवरऑल आपकी सीएस फाउंडेशन की प्रिपरेशन को आपकी जो जर्नी रही अभी तक आप जिस लेवल पे पहुंचे और अब आप आगे भी बहुत जल्द एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में जाओगे,
तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपने जो स्टेप्स लिए और चुनाव एक जगह का करना है जैसे नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी आना, आपको उसमें कोई डाउट कभी कुछ ऐसा लगा कि हम फैकल्टी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, हमको डिफिकल्टीज नहीं मिल पा रही सॉल्व होते हुए? नहीं, मेरे जो भी डाउट्स थे हमेशा सॉल्व ही रहे हैं। मैंने कभी डाउट पूछते हुए ये नहीं सोचा कि इस लोग क्या सोचेंगे, इतना छोटा सा डाउट है, मैं पूछ लेती थी डाउट। तो मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे कम से कम डाउट सॉल्व रहे, कि वही पेपर भी आ जाए ये ना सोचे कि वो डाउट सॉल्व कर लेती तो अच्छा रहता। और हार्ड वर्क तो हर चीज में चाहिए, आप जो कुछ भी करो, अगर हार्ड वर्क मैं नहीं करती तो यार तो पॉसिबल नहीं है। और हमें कई बार अभी आजकल वीडियो में लोग बोलते हैं कि 10 12 से कम मेहनत करो फर्स्ट रैंक आ जाती, तो ऐसा तो नहीं सर, वो भी बहुत चल रही है मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कैसे कुछ 10 12 तो कुछ लगता ही नहीं है जब यहां का आता है। हाँ मतलब हम भी उस बात पे मुस्कुरा रहे हैं कि चलो ठीक है, वो है भाई किसी का, हो सकता सम ब्रेन्स आर देयर हु आर वेरी शार्प, बट जनरली व्हाट आई हैव सीन मतलब हार्ड वर्क कैन ओवरकम द इंटेलिजेंस आल्सो। सोशल मीडिया एक चीज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके बगैर आप सब बच्चों का जीवन संभव नहीं है, तो सोशल मीडिया आपके हिसाब से क्या है, एक सपोर्ट बन सकता है या आप लोगों के लिए परेशानी है? वो लोगों पे डिपेंड करता है, मेरे लिए अलग चीज़ है, दूसरे के लिए अलग हो सकती है, दूसरा अलग चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है, मैं अलग चीज़ के लिए, मैं अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती हूँ। क्योंकि आजकल 1.5 GB डेटा तो सबके पास फ्री है, लेकिन 1.5 GB डेटा में कोई क्या यूज़ करता है वो मैटर करता है। हाँ, तो मैं मतलब अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती थी, जैसे कुछ पढ़ा, कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो मैं उसका टेस्ट देना स्टार्ट कर देती थी तुरंत, और जैसे कोई डाउट आए, मेरे फ्रेंड्स और मैं एक साथ ही पढ़ते थे तो जैसे डाउट आए तो तुरंत सॉल्व कर लेते थे, टीचर से भी पूछ लो कुछ मतलब है नहीं। आई थिंक ऑल द टीचर्स आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, आपको डाउट्स के सॉल्यूशंस आ जाते थे? सर मैंने तो फेस टू फेस ही सॉल्व कर लिया। सबसे बढ़िया, वो तो सबसे अच्छा रहता है, डाउट रिटेन करके नेक्स्ट डे तक आ जाओ। पर हमने एक चीज और देखी बच्चों में, कई बार बच्चे जब घर पे पढ़ते तो डाउट उन्हें उस समय आता है, टीचर उस समय अवेलेबल नहीं होता, तो बच्चा बोलता है मैं एक डाउट के लिए जाऊँ कैसे, इसलिए हम लोगों ने व्हाट्सएप पे इनेबल करके रखा है कि आप फोटो खींच के भेज सकते हो और फिर हम टीचर्स रिवर्ट करते हैं। मैंने एक और चीज़ देखी थ्योरी के अंदर कि आप लोगों को समरी इमेजेस में भेजता हूँ, तो समरी इमेजेस वगैरह आप लोगों को काम आती है? हाँ सर, मतलब एक साथ जब लास्ट डे होता है पेपर का तो उस दिन अपन पूरा मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते और पूरा सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो वो समरी ही काम आती है। करेक्ट, क्योंकि वो आधे दिन भी नहीं मिलता है हम लोगों को, तो एक साथ पेपर होते हैं आप लोगों के, तो वो समरी ही काम आती है। Any simple message which you would like to give to the nation actually, because this is going to go everywhere. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि hard work करो, hard work सब कुछ possible करा देता है, और optimistic रहो, ये नहीं सोचो कि आप नहीं कर सकती ये चीज़। पहले मैं नहीं थी optimistic, मतलब मैं सोचती थी नहीं आ सकती यार, फिर motivate किया लोगों ने, मैं थोड़ा ऐसे लोगों के साथ रहे, आप संगत का बहुत फर्क पड़ता है, आसपास अच्छे लोग रहते हैं ना तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, थोड़ा हार्ड वर्क मैंने, और मतलब मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया उसके बाद, कि मुझे ऐसा लगा कि अब तो चाहिए ही रैंक, क्यों नहीं आ सकती रैंक। पिछली बार जब बच्चों की 10 ऑल इंडिया रैंक आई थी तो आपको देख के लगा होगा मैं भी अचीव कर सकती हूं। हाँ सर, यही लगा था कि जब इन लोगों की आ सकती है मैं भी ला सकती हूँ, इन लोगों ने हार्ड वर्क किया मैं भी कर सकती हूँ। मुझे हमेशा से ऐसा रहा कि मैं इतना पढ़ लूँ, इतना करूँ हार्ड वर्क कि मुझे बाद में जाके रिग्रेट ना हो उस चीज़ का, कि मैं पहले पढ़ लेती तो आज मेरे और ज्यादा। ये तो मानना चाहिए कि एग्जाम हॉल के बाद बाहर निकलने का ये फीलिंग आ जाना चाहिए कि मैंने मेरा बेस्ट दे दिया। सर मुझे ये वो मलाल नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा सा और कर लेता तो हो जाता। सर मुझे वो रिग्रेट रहा ही नहीं कि मतलब थोड़ा सा और कर। मैं आपको सच बताऊं, वो रिग्रेट अगर आप नहीं रखोगे और आगे भी रखोगे ना, तो मेरे को भरोसा है आपका एक इंटरव्यू नहीं, मुझे आपके 2 बार और इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। और मैं आपको, आपकी सिस्टर को, आपके पेरेंट्स को बिना में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शहर से बाहर आकर घर की याद, सोशल मीडिया, नए दोस्त, हॉस्टल, ये भी एक चैलेंज होता है। कई लोगों को लगता है इन सब चीज़ों में हमारा फोकस खराब हो जाता है, ऐसा आपके साथ हुआ क्या? नहीं, मैं हमेशा से फोकस थी कि मतलब पढ़ाई करनी है तो उस टाइम पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत घूमने जाती थी मगर ऐसा नहीं कि उसी में पूरा दिन निकाल दूँ, थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट जरूरी है, वो जरूरी है। पर कई लोग बह जाते हैं ऐसे भाव में, उनको लगता है बस मॉल घूमना, मल्टीप्लेक्स घूमना, पिक्चर देखना, वो आप आए इस चीज के लिए थोड़ी ना हो यहाँ, आप पढ़ने के लिए आए तो पढ़ो, अपने पेरेंट्स को कम से कम इतना प्राउड फील करवाओ कि वो बोल सके। वो अभी तो हो गए आपके पेरेंट्स तो प्राउड फील हो गए, चलो अच्छा, ये खुशी भगवान करे हर बच्चा अपने माँ बाप को दे, आप लगातार दो, आपकी सिस्टर प्रोफेशनल में आ गई है वो दे, क्या दिन होगा वो उस घर में जब दोनों के दोनों कंपनी सेक्रेटरी होंगे और पापा का सर से ऐसे गर्व से सीना, देखो मारी छोरियां छोरों से कम हैं के वो इस बात पे बोलेंगे। सर वो अभी भी बहुत खुश है, अभी भी बहुत खुश है, आगे भी बहुत खुश रहेंगे, आप जैसे बच्चे इस देश को आगे लेके जाएंगे, मुझे इस बात का भरोसा है।
Thank you very much for speaking to us. Thank you very much, Sakshi. Thank you.